हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं तिल सरसों की डिश। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं चार पीस इलिश ले लिया है। तो चलिए इसको अब हम पहले मैरिनेट कर लेते हैं। चलिए अब हम इसमें पहले डालते हैं टर्मरिक पाउडर। स्वाद अनुसार नमक, और दही, और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। इसे अच्छी तरह से मैरिनेट कर लें। तो अब हम इसको मैरिनेट करने हो गया है, तो इसको अब हम 20 मिनट्स के लिए ऐसे हम इसको रख देंगे। तो चलिए तब तक हम हमारा दूसरा चीज तैयार कर लेते हैं। चलिए अब हम पैन को हीट कर लेते हैं। तो पैन हीट हो करीबन हो गया है। इसके अब हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। तो मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है। तो इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तो हमारा मस्टर्ड ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें हमारा जो बैगन है उसको हम फ्राई कर लेंगे। तो एक एक करके हम बैगन इसमें डाल देंगे। तो इसको जब तक ये रेड कलर का नहीं हो जाता है तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और टर्मरिक पाउडर। चलिए इसको अब हम फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो अब देख सकते हैं हमारा बैगन फ्राई हो चुका है। तो चलिए इसको अब हम निकाल लेते हैं। तो अब हम उसी ऑयल में जिसमें हम बैगन फ्राई किया था उसमें अब हम डालेंगे ड्राई रेड चिलीज, कलौंजी, स्लीट किया हुआ ग्रीन चिली, और मस्टर्ड सीड्स पेस्ट, और हमारा जो तिल का पेस्ट, रोस्टेड तिल पेस्ट जो मैंने पहले रोस्ट किया कर चुकी हूँ, उसके बाद मैं इसको पेस्ट बना दूंगी। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम जो मैरिनेट किया हुआ फिश था हमारा, तो इसके अंदर डाल देंगे धीरे धीरे आफ्टर 20 मिनट्स। हम इस फिश को यूज कर रही हूँ और बचा हुआ जो मसाला है उसको भी हम डाल रहे हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। अब हम इसका लीड क्लोज करके 20 मिनट्स अब हम इसका लीड क्लोज करके रखेंगे। सो 20 मिनट्स के बीच में करीबन 14 मिनट जब हो जाए तो आप लीड को ओपन कर दीजिए और जो हमारा मछली है उसको दूसरी तरफ पलट दीजिए। इससे क्या होगा, दोनों तरफ ही अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। तो उससे पलट दीजिए। सो अब हमारा जो ग्रेवी है अच्छी तरफ से बॉयल हो चुका है, आप देख सकते हैं।
सो अब हम जो फ्राइड बैगन था उसके अंदर डाल देंगे और फिर से अब हम थोड़ा सा नमक हम डालेंगे क्योंकि मैरिनेशन के टाइम में थोड़ा सा डाला हुआ था और बैगन में भी, तो अब थोड़ा सा अगर ज़रूरत हो तो आप डाल सकते हैं। तो फिर से अब हम लिड को क्लोज करेंगे। तो हमारा 20 मिनट्स हो चुका है पूरा, तो चलिए अब हम लिड को ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा ग्रेवी थोड़ा सा थिक हो चुका है और ज़्यादा आप थिक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको और बॉयल करूँगी तो हमारा फिश थोड़ा गल जाएगा, तो बहुत ही सॉफ्ट फिश है इसके लिए। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, हमारा करी बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा फ्लेवर इंटेंस करने के लिए हम इसको डाल रहे हैं। सो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा स्टैंडिंग टाइम दे देते हैं, उसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे। तो लीजिए, हमारा तिल सरसों इलिश बिल्कुल तैयार है। आप इसको स्टीम राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू हैव इंजॉयड दिस रेसिपी। सी यू नेक्स्ट टाइम।